मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हाँ, मैं प्रोसीड कर रहा हाँ, इस तो अगे स्टेप है फिल बेसिक डिटेल्स है ना, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आ गया। फॉर एग्जांपल मैं अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करने लगा हाँ, हाउस नंबर 1, 2, 3, 4 ये हो गया। उस तो बाद स्टेट अच्छा पूछा जा रहा है सेव एड्रेस, जो तुम सेव करना चाहते हो इसनों सेव कर सकते हो, अगे कॉरेस्पोंडेंस सेम शो हो जाएगा। इतों मैं पंजाब अपनी स्टेट सिलेक्ट कर ली है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर ली है, फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रिक्ट जलंधर सिलेक्ट कर ली है। उस तो बाद पिन कोड खुद फिल कर दिता है, डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब, वेरी केयरफुली इतने चंगी तरह सोचना है कारण की है, ये सब तो ज़्यादा जरूरी। इतने पॉज क्यों दे रहा हाँ, क्योंकि 15% कोटा जड़ा है वो आउट ऑफ पंजाब का है और 85% कोटा पंजाब का है। तुसी जेत कर तुहाडे को डोमिसाइल है और 5 साल तुसी उत्थे रहे होने चाहिए हैं तो डोमिसाइल बनता है, रूल दस रहा हाँ। गड़बड़ विच जो मर्जी हो रहा हो, डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट सेम चीज़ है। तो जे 5 साल तो बाद तक पंजाब का है, जहाँ तुसी तुहाडे को डोमिसाइल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट है पंजाब का, फिर 85% पंजाब फिल करो। डू यू हैव डोमिसाइल पंजाब, फिर यस करो। जे बाहर का तुहाडे को डोमिसाइल है, हिमाचल का है, राजस्थान का है, कितने भी तुसी रहिंदे हो, फिर तुसी नो फिल करना है, फिर तुसी उस कैटेगरी विच आ जाओगे। अगे चलते हाँ, अच्छा सिलेक्ट द कैटेगरी यू बिलोंग, कैटेगरी क्योंकि रिजर्वेशन है इसका संबंध है, इसलिए मैं क्लिक कर दिता है उसनों सिलेक्ट कैंडिडेट कैटेगरी, कैटेगरी ऑप्शन आ गई है। मैं इतने जनरल नो सिलेक्ट किया है, शेड्यूल कर मैकवर्ड एक्स सर्विसमैन PWO स्पोर्ट्स वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये जनरल नो मैं क्लिक कर दिता है, जनरल फिल हो गई है। इस तो बाद मेरे को है सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम देन वाली गल जी है, प्रॉब्लम दिंदी है जिन्हिया भी प्रॉब्लम आदि तो सब तो ज़्यादा जेडे बच्चे रूरल नू फिल कर देंदे हैं, क्योंकि रूरल फिल करन ते तुहानू 1% वध मार्क्स दिते जाते हैं जिन्हें मार्क्स तुसी टेस्ट विचों गेन करते हो, इस लालच विच क्लिक कर देना। पर कंडीशन की है, प्लीज़ नोट दैट कैंडीडेट हू हैव पास्ड बोथ 10th and +2, जिन्होंने 10वीं ते 12वीं दोनों रूरल एरिया चो कीती है, स्कूल तुहाडा सिचुएटड है रूरल एरिया, वो सिचुएशन किद्दां पता लगेगी, उत्थे दी कॉरपोरेशन जां उत्थे दा DEO जां ओ स्कूल हैड जानदा है कि साडा रूरल विच है, और DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर उसनू रूरल विच ही कंसीडर करता है, और तुसी दोनों क्लासां रूरल चो पास कीतियां हन। ये गल वक्री है कि एक रूरल चो कीती है, दूजे रूरल चो कीती है, जे दोनों रूरल हन तां तुसी रूरल नू क्लिक करना है, जेकर 10th रूरल चो है प्लस टू अर्बन चो है फिर तुसी अर्बन ही फिल करना है, जेकर 10th अर्बन चो है ते जो है बेशक 10+2 रूरल चो है फिर भी तुसी अर्बन फिल करना है। इसलिए लगता है कि वो रूरल एरिया विच उन्हां दा स्कूल लोकेटेड है, उन्होंने बाद विच अपने सिग्नेचर एक सर्टिफिकेट है नाल ते अपेंडिक्स दिता होया है, उस स्कूल हैड दे सिग्नेचर, जो दो स्कूल वक्रे सी उन्हां दे सिग्नेचर, उस तो बाद DEO जां सरपंच दे सिग्नेचर होए होने चाहिए हन। फिर जे इन्ना प्रक्रिया तुहानू क्लीयर है तां इह फिल करियो, पर मैं सुजैस्ट करदा हाँ जिहड़ा दुचित्ती विच है उस नूं इत्थे नो फिल करना चाहिए है, क्योंकि जेकर मैरिट यस नाल तुसीं बनवा ली बाद च प्रोड्यूस ना कर पाए तो फिर थोड़ा जिहा खर्चा थोड़ा जिहा चक्कर यूनिवर्सिटी लगता है, टेंशन फिर भी नहीं लैनी, एडमिशन फिर भी मिल जाएगी, टेंशन जरूर हो जाएगी। यू हैव पास्ड 10th or 12th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल सिचुएटेड इन रूरल एरिया, येस और नो इतने फिल कर देना है, जेब 100% श्योर हो कि सर्टिफिकेट बन जाएगा। नेक्स्ट है टेस्ट रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल मैं इतने लिख दिता नो, टेस्ट रिलेटेड पर्टिकुलर्स अगे आ गए, हैव यू डन ग्रेजुएशन विद ऑनर्स इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, मैं लिख दिता नो। ओके, इस तो बाद है सेव लॉक एंड प्रोसीड, नो चेंज अलाउड आफ्टर लॉकिंग, हुण मैं लॉक करन लगा हाँ, इस तो बाद कोई चेंज नहीं हो सकता, इसनों मैं क्लिक कर दिता एरिया। इसका नेक्स्ट पार्ट है सिलेक्ट एंट्रेंस टेस्ट सिटी, इतने क्लिक करांगे नैक्सट पोर्शन खुल जाएगा, जिस विच तुसी जिहड़े 3 एग्जामीनेशन सेंटर चाहते हो, नैचुरली असी जिथे कन्वीनियंट फील करते हाँ नज़दीक फील करते हाँ, वो सब दा अपना अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि किसनों प्रैफर करना है। फॉर एग्जाम्पल एंट्रेंस टेस्ट सिटी प्रैफरेंस नंबर 1 है सिलेक्ट एग्जाम सेंटर प्रैफरेंस, इतों फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा घर मान लो जलंधर विच है, तो मैं जलंधर नूं पहला क्लिक कर रहा एंट्रेंस
टेस्ट सिटी प्रेफरेंस टू सेकेंड सिलेक्शन मेरी मैनू कपूरथला सब तो नेड़े पैंदा है, मैं कपूरथला नू सिलेक्ट कर लिया। सो प्रेफरेंस थ्री इस नू मैं हुशियारपुर जां लुधियाणा मैनू नेड़े पैंदा है, मैं हुशियारपुर नू सिलेक्ट कर लिया। ये तुसी देख लेना है कि कित्थे तुसी रुक सकते हो। वैसे एग्जाम का समा 10:30 तो एक डेढ़ दे विचकार हुंदा, 2.5 घंटे का एग्जाम है। सो इत्थे ये स्टैप कंप्लीट हुंदा है। सेव एंड लॉक, नो चेंजिज अलाउड आफ्टर लॉक। सो जो तुसी प्रेफरेंस टेस्ट सिटी दी ले ली है वो ही रहेगी, इस तो बाद चेंज नहीं हो सकती, बेशक तुसी ईमेल भी करो। सो इत्थे ए स्टेप कंप्लीट हुंदा है, च लिंक दिता गया होएगा, तुसी देख सकते हो जिस भी स्टेप नू तुसी अंडरस्टैंड करना है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने लई। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।